अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे चिकन झिंगाड़ा, जो एक ढाबे की डिश है ये। तो इसके लिए हमें चिकन लगेगा, इसके लिए हमें बोनलेस चिकन लगेगा। तो बोनलेस चिकन हमने 150 ग्राम चिकन लिया है। इस तरह से इसको हमने छोटे छोटे पीस में काट दिया है इसे। अब इसको हम दही और कंटक्की मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के इसे हल्का सा फ्राई करेंगे, फिर इसके बाद इसे बघारेंगे। तो हमें ग्रेवी में डालने के लिए हमें चाहिए, हमने 150 ग्राम चिकन लिया है, तो उसके हिसाब से हमने ये 3 इस साइज़ के टमाटे लगेंगे हमें, और 1 प्याज लगेगी हमें, जिसे हम बारीक बाद में चॉप कर देंगे प्याज को। और टमाटो को हमने इस तरह से इस पर कट लगा लिए हैं। फिर बाद में इसको हम इस तरह ये छुरी की मदद से इस तरह इसमें काके इसमें इसको गैस पे थोड़ा हल्का सा भून लेंगे, ताकि इसका छिलका निकल जाए। इसे हमें ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, तो इसका बस हमें छिलका निकालना है, तो इसलिए हम इसे बॉईल नहीं कर रहे हैं। बस गैस पे इसे हल्का सा भुनेंगे, उसके बाद इसका छिलका निकाल कर इसे बारीक चॉप कर देंगे, छुरी से काट देंगे। और फिर हमने एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची ली है हमने, कलर के लिए फीकी रहती है, तो हमने कश्मीरी लाल मिर्ची लिया है 1 टीस्पून। तंदूरी कलर बिल्कुल 1/4 टीस्पून लिया हमने। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून लिया है, जो हम थोड़ा सा चिकन में और थोड़ा सा ग्रेवी में डालने वाले। और 1 टेबल स्पून धनिया की बुकनी, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और ताज़ी फ्रेश मलाई ली हमने, जो हमें बाद में इसमें स्मोकी खुशबू देने के लिए लगेगी तड़के के लिए। और ग्रेवी में पीसने के लिए हमें चाहिए, हमने हरा धनिया लिया है 2-3 टेबल स्पून हरा धनिया और 8-10 हरी मिर्चियाँ, जिसे हम थोड़ा मोटा मोटा ही पीस लेंगे। तो इसे एक जार में डाल के हम इसे मोटा मोटा पीस लेंगे, बहुत बारीक पेस्ट नहीं करना है हमें इसका। तो चलिए सबसे पहले हम और तेल हम ग्रेवी के हिसाब से डालेंगे, थोड़ा चिकन को फ्राई करने के लिए लगेगा, थोड़ा हम ग्रेवी में डालेंगे। तो सबसे पहले दही हमें 1/2 टेबल स्पून चिकन में लगेगा, और बाकी का हम ग्रेवी में डालेंगे। तो हमने टोटल 2 टेबल स्पून चक्का दही लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें दही और अदरक लहसुन का पेस्ट और एक कंटक्की मसाला मिलाएंगे। दही को हमने अच्छे से फेंट लेंगे, बिल्कुल बस 1/2 टीस्पून उतना इसमें हम दही डालेंगे। और अदरक लहसुन का भी पेस्ट लगेगा हमें। ये तंदूरी चिकन मसाला, ये मार्केट में मिल जाता है, इसमें भी कलर डाला हुआ है तंदूरी चिकन मसाला, जो हमने मंदी के लिए इस्तेमाल किया था वही लिया है हमने तंदूरी चिकन मसाला। आप चाहे तो एवरेस्ट वाला भी तंदूरी चिकन मसाला ले सकते हैं। और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसमें हम, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे हम। इसे 4-5 मिनट हम थोड़ी देर फ्रिज में रख लेंगे, इसे थोड़ी देर 5 मिनट, उसके बाद इसे एक पैन में फ्राई करेंगे। तो चलिए अब हम ये एक जार में डाल के इसे पहले पीस लेते हैं, इसके बाद हम टमाटो को गैस पे भूनकर उसको बारीक चॉप कर लेंगे। तो सबसे पहले हम हरी मिर्ची और कोथमीर को पीस लेंगे।
ये इस तरह से हमने टमाटे को बस इस तरह हल्का हल्का भूनकर इसका छिलका निकाल लेना। ये इस तरह से हमने टमाटो को भून के इस तरह से इसका छिलका निकाल दिया है। इसका छिलका आसानी से निकल जाता है जब इसको हम भून लेते हैं तो इसे हमने गैस पे भून के इसका छिलका निकाल दिया है। अब इसको हम बारीक चॉप कर देंगे, बारीक काट देंगे। हमने सबसे पहले पैन रखा है चिकन को फ्राई करने के लिए, हल्का सा बस फ्राई करना है हमें, और इसे 5 मिनट से फ्रिज में रख लिया था हमने, 5 मिनट फ्रिज में रखा था। तेल को हमने चिकन के लिए गर्म होने के लिए रख दिया है। बाद में हमें 3 चीज़ें और आखिर में डालने के लिए लगेंगे, जो बाद में हम आखिर में डालेंगे ग्रेवी पकने के बाद, तो उसके लिए हमें 1 टेबल स्पून नींबू का रस लगेगा। हमारा दही चक्के का था, ज़्यादा खट्टा नहीं बोल के हम इसमें ये नींबू का रस डाल रहे हैं। अगर आपका दही अगर खट्टा है तो आप नहीं भी डालें तो चलेगा नींबू। और ये कस्तूरी मेथी लगेंगे जो हमने 1 टेबल स्पून लिया है, जो हम आखिर में मलाई के साथ बघार डालेंगे। इसमें मलाई में कस्तूरी मेथी डाल के आखिर में बघार डालेंगे। और बिल्कुल आधा टीस्पून हमने टमाटो केचप लिया है जो टेस्ट के लिए डाल रहे हैं हम। ये ऑप्शन है, अगर आप नहीं भी डालना चाहें तो नहीं डाल सकते। तो चलिए सबसे पहले हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। तो पूरा चिकन इसमें हम डाल देंगे इसे हल्का सा फ्राई करना है। बाद में हम इसमें कोयले की इसमें की खुशबू भी देंगे। इसे हम ढाबे वाला टाइप बना रहे हैं तो इसमें इसमें की खुशबू रही तो ही अच्छा लगता है। इसे बस 2-3 मिनट फ्राई करेंगे। और 1-1.5 मिनट इसे होने देंगे, फिर इसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। ये चिकन हमारा अच्छे से अब फ्राई हो गए हैं। इसे अब हम गैस जा देंगे और इसे निकाल लेंगे। तो चलिए हम इसे अब निकाल लेंगे। हमने ये दूसरी कढ़ाई ली है, अब इसमें हम ये तेल डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून हमने तेल मीठा कुकिंग ऑयल डाला है 3 टेबल स्पून। थोड़ा से गर्म होने के बाद इसमें हम प्याज डालते हैं। बघार में हम सॉरी हम बताना भूल गए थे, बघार में हम खड़ा मसाला डालेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले बस चुटकी भर शाही जीरा, 1-2 लौंग डालेंगे और 1 से 2 इलायची डालेंगे। इस तरह से बस छोटा सा दालचीनी, दालचीनी
फिर अब ये हम जो प्याज रखा था हमने इसे बारीक तरह से बारीक चॉप कर दिया है, अब इसे हम डाल देंगे। हल्दी और नमक हम टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे। फिर हल्का से गोल्डन ब्राउन होने तक 1 से 2 मिनट तक इसे फ्राई होने देंगे। इसके बाद इसमें हम हरी मिर्ची और कोथमीर जो हमने इस तरह से इसे मोटा मोटा पीस लिया है तो इसका पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन धनिया की बुकनी सब मसाले हम एक के बाद एक डालेंगे, उसके बाद एक डाल देंगे। इसको ज़रा हल्का से अच्छे गोल्डन फ्राई होने तक भुनेंगे इसको, उसके बाद में इसमें तो चलिए सबसे पहले हम इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, पूरा का पूरा डाल देंगे इसमें। इसके बाद इसमें नमक डालेंगे हम, बिल्कुल आधा टीस्पून नमक डाल रहे हैं हम, क्योंकि हमने चिकन में भी नमक डाला है, अगर हमें लगेगा और तो हम और डालेंगे बाद में चखने के बाद। फिर ये हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे हम, इसमें हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। इसके बाद ये धनिया की बुकनी, ये जीरा पाउडर, और ये लाल मिर्च का पाउडर, अब थोड़ी सी बिल्कुल 1/4 टीस्पून हल्दी, जो टमाटर हमने बारीक चॉप करके रखे थे वो भी डाल देंगे इसमें। जो टमाटर रखे थे हम ये डाल देंगे इसमें। इसके बाद इसमें हम दही डालेंगे, टमाटर हमारे अच्छे से भूनने उतना उसे गलने देंगे, क्योंकि हमें इसे एक ग्रेवी टाइप बनाना है। अब हम ये जो दही रखा था फिर हमने अच्छे से और फेंट दिया, अब इसमें ये दही डालेंगे। दही को अच्छे से फेंट दिया था हमने, टमाटर को गलने के लिए हम इसमें थोड़ा सा बिल्कुल 2 टेबल स्पून उतना पानी डालेंगे, फिर हमें और लगेगा तो हम बाद में और डालेंगे। ये जो हरी मिर्ची रखी हुई थी उसका पानी डाल देंगे हम। अब इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक इसे टमाटर गलने तक इसे पकने देंगे। इसके बाद हम इसमें चिकन डालेंगे।
ये हमारे 5 मिनट से टमाटे और प्याज गल रहे हैं। चलिए इसका ढक्कन हटा के हम चेक करें। अच्छे से गल चुके हैं। इस तरह से हम चमचे की मदद से इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। हमने इसे गैस पर टमाटो को भुना था तो इसलिए ये नरम हो गए थे थोड़े, इसलिए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा गलने के लिए। आप चाहे तो बॉईल करके भी डाल सकते हैं इसे काट के, मगर इसकी टमाटो प्यूरी नहीं डालते, इसे काट के ही डाले तो टेस्ट अच्छा आता है। और ये थोड़ा तेज ही रहता है, ये सालन थोड़ा तेज रहता है, चटपटा तेज टाइप रहता है। ठीक है, अच्छे से ये टमाटर को ना अच्छे से इस तरह से चमचे अच्छे से मैश कर लेंगे। अब बाकी के चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। सबसे पहले ही इसमें तंदूरी कलर डालेंगे, ये जो तंदूरी कलर रखा था हमने ये डाल देंगे इसमें। ये ऑप्शन है, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते। और ग्रेवी के लिए बहनों हमने बिल्कुल 2 से 3 टेबल स्पून दूध लिया है। आप चाहे तो आप पानी भी डाल सकते हैं, हम दूध डाल रहे हैं, इससे अच्छा टेस्ट आएंगे आते हैं ग्रेवी में। फिर अब थोड़ा और 2-3 मिनट से और टमाटर को गलने देंगे ढककर, इसके बाद हम इसमें चिकन डालेंगे। ढककर से 2 से 3 मिनट पकने देंगे। चलिए इसका ढक्कन हटा के हम इसे चेक कर लेंगे। हमारी ग्रेवी और 2 मिनट से और भुनने से पकने दिया था अच्छे से हमारे, इस तरह से ये टमाटर अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें हम चिकन डालते हैं। ये चिकन जो हमने तल के रखा था वो डालते हैं। ग्रेवी के लिए हम थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये नींबू का रस डाल देंगे, फिर ये थोड़ा सा जो टमाटर केचप रखा था वो डाल देंगे। थोड़ा सा आधा कप उतना पानी हम गरम करके, आधा से पाव कप उतना जितना हमें लगेगा उतना पानी इसमें गरम करके हम डाल देंगे। और इसमें हम ये गरम पानी जो हमने गरम पानी करके रखा था ये डाल देंगे इसमें। बिल्कुल हमने 1/4 कप उतना गरम पानी डाल रहे हैं। आप चाहे तो उसमें और दूध भी और डाल सकते हैं, पानी के बदले पूरा दूध भी डाल सकते हैं। इसे हम 2-3 मिनट और पकने देंगे। ढक्कन ढक के 2-3 मिनट पकने देंगे। इसके बाद इससे उसे कोयलों का धुआं और मलई का तड़का देंगे। ये ग्रेवी हमारी
2 मिनट से बन पक रही हैं। इस पर अच्छे से तेल आना शुरू हो गया है। अभी हमने इसको आँच स्लो आँच करके इसको स्लो आँच पर रहने दिया। इसे और 1 मिनट तक पकने देंगे। इसके बाद इसमें हम कोयले रख के इसकी स्मोकी खुशबू देंगे। ये हमारा 1 मिनट से पक रहा है, अच्छे से हो गया है हमारे ये। तो थोड़ा तेल भी आना शुरू हो गया है। अब इसमें हम गैस को बुझा के हम इसमें धुएं की स्मोकी खुशबू देंगे। इस तरह से ये फॉइल, एक फॉइल की मदद से इसको इस तरह से हम इसे बीचों बीच रखेंगे। कटोरी टाइप बना देंगे इसको। ये कोयले हमारे अच्छे से गर्म हो गए। इसको हम इस तरह से थोड़ा सा घी डालेंगे इसमें हम, बिल्कुल मामूली असली घी। और फिर जल्दी से ये ढक्कन ढक लेंगे। तो हम इसे 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से ढक कर रखेंगे। उसके बाद फिर आखिर में हम कस्तूरी मेथी वाला तड़का डालेंगे। हमने इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून इतना तेल गरम किया है। उसके बाद इसमें हम ये जो मलाई रखी थी ये डाल देंगे। और ये कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ इसमें। बस ये भगा रहा हूँ इसमें हमारे चिकन पे डाल देंगे। ये भगा इसको हम डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे। लीजिए बहनों, ये हमारा चिकन झिंगाड़ा तैयार है। आप इसे ज़रूर घर में ट्राई करें और ज़रूर अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। मुझे ज़रूर बताएं कैसा बना। अल्लाह हाफ़िज़।